आज बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर पीठ ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत माओवादी समूह के साथ संबंध का आरोप लगाने वाले एक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा और 5 अन्य की सजा को पलट दिया है। जस्टिस विनय जोशी और वाल्मीकि एसए मैनेजर्स ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जीएन साई बाबा और उनके सह आरोपियों को 2014 में माओवादी गुटों से जुड़े होने और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जीएन साई बाबा हेम मिश्रा, महेश तिर्की, विजय तिर्की, नारायण सांगनेकर, प्रशांत राही और पांटू नरोटे मृतक को माओवादी लिंक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने बरी कर दिया है। संभावना जताई जा रही है कि सरकारी पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। इस संबंध में सरकारी पक्ष के वकील संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। जीएन साई बाबा फिलहाल नागपुर सेंट्रल जेल में हैं। जीएन साई बाबा और 5 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने इन आरोपियों को 50,000 के मुचकले पर रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार और पुलिस बल के लिए बड़ा झटका है। जीएन साई बाबा, जिन्हें गोकर कुंडा नागा साई बाबा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय विद्वान, लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता है। वह एक पूर्व सहायक प्रोफेसर थे और विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। साई बाबा का जन्म भारत के आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी के एक कस्बे अमलापुरम में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। पोलियो के कारण वह 5 साल की उम्र से व्हीलचेयर का उपयोग कर रहे हैं। माझा नाव ॲडवोकेट हर्षल लिंगायत। आज कोर्टाने एक डेकेड जुनं जे आहे जे प्रकरण, जी एन साईबाबा जो 90% डिसेबल्ड पर्सन आहे त्याला आज दोषमुक्त केलेलं आहे। टेरर कायद्यां अंतर्गत त्यांनी 10 वर्ष काढलेले आहे कारागृहात आणि खूप वेदना सहन केलेले आहेत। आज ते माननीय उच्च न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्तता दिलेली आहे। आधार काय होता, ग्राउंड्स काय होता? जे जी एन साईबाबा विरुद्ध जे एव्हिडन्स होता, इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स, त्याला त्यांनी फॉर्ज केलेलं आहे। जे आपलं सीजर होतं त्यांच्या घरून दाखवलेलं, ते सीजर प्रूफ केलेलं नाही आहे प्रॉपरली कोर्टात, असं त्यांनी निर्णय दिलेला। हो, जे डिजिटल एव्हिडन्स प्रूव्ह करण्याचं जे प्रोसिजर असते ते प्रोसिजर फॉलो केलेलं नाही। हो, त्यांचं तर अरेस्टच डाऊटफुल होतं ह्या केसमध्ये। अरेस्ट एक विटनेस असा होता त्यामध्ये की ज्याने म्हटलेलं आहे की हे अगोदरपासून कस्टडीमध्ये त्यांना बघितलेलं आहे। ब्युरो रिपोर्ट, NBC न्यूज।